दिल्ली में मासूम से दुष्कर्म कर हत्या आरोपियों के विरुद्ध फांसी की मांग को लेकर उठी आवाज। हाथरस की बेटी के बाद एक और घटना सामने आई, जहां दिल्ली में मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संगठन ने बैनर तले हत्या आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की आवाज बुलंद कर दी। सफाई कर्मचारी संगठन के महानगर अध्यक्ष राजू ने कहा, जिस तरह हत्यारे हर जगह हमारे आपके बीच छुपे हुए हैं, उनको हमें अपने बीच से ढूंढकर निकालकर सजा दिलाने के लिए सामने आना होगा। इसलिए हम सभी को एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह हाथरस दुष्कर्म के मामले के बाद अब दिल्ली में जिस तरह 9 साल की मासूम बच्ची के साथ आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद मासूम को जलाकर मार दिया, उन हत्या आरोपियों को तुरंत फांसी दी जाए और इसके लिए हम सभी को अपना आवाज बुलंद करनी होगी, क्योंकि बेटी ब्राह्मण की भी हो सकती है, ठाकुर की भी। इस घटना को जाति धर्म के आधार से ना देखकर एकजुट होने की जरूरत है, जिसके लिए सोमवार को आम जनमानस खिरनी बाग रामलीला मैदान में एकत्रित होने में आह्वान करता हूं। एकत्रित होकर हत्यारोपियों को फांसी देने और मासूम को न्याय दिलाने के लिए कार्यवाही की मांग करेंगे। इस मौके पर दर्जनों लोग एकत्रित हुए, साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव दिनेश कुमार व मुकुल राजवंशी ने कहा कि ऐसे मामलों में न्यायपालिका को सख्त रवैया इख्तियार करना चाहिए और ऐसे आरोपों में गंभीरता से संज्ञान लेकर कार्यवाही करनी चाहिए। आप लोगों ने कुछ समय पहले हाथरस में भी एक बेटी के साथ में निर्मम हत्या करके उसके सबको रात में ही जला दिया गया था। ये दिल्ली के अंदर बेहद शर्मनाक घटना जो हमारे समाज के बीच में घटी है। एक 9 साल की बेटी को गैंग रेप करने के बाद उसको जिंदा जला दिया गया, अब शेषों में केवल उसके पैर ही बचे हैं। अगर ऐसे दरिंदों को जब तक खुले में फांसी नहीं दी जाएगी, जब तक ऐसे दरिंदे हमारे समाज में पैदा होते रहेंगे। और मैं ये सभी समाज से सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि सारे लोग हम लोगों को ऐसे दरिंदों के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी होगी। अगर हमारे आपके बीच में ऐसा भैंसी दरिंदा कहीं छिपा बैठा है तो इसको हम लोगों को पुलिस को सौंपना पड़ेगा, जब तक हम लोग सभी लोग एक खून नहीं होंगे। क्योंकि आज ये बेटी वाल्मीकि समाज की है तो कल किसी ब्राह्मण की बेटी हो सकती है या किसी ठाकुर की बेटी हो सकती है, ये ना देखा जाए कि एक दलित की बेटी थी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर एक शर्मनाक घटना हुई, उस घटना को लेकर के हमारा पूरा समाज इस समय रोष है और बच्चों में भयभीत हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो ट्यूशन जाते हैं उनमें भी ये दहशत फैली हुई, कहीं ऐसी घटना उनके साथ ना हो जाए। इसीलिए हम लोग सोमवार को सुबह 11 बजे सारे लोग यहाँ खिन्नीबाग मैदान में इकट्ठे होकर के माननीय जिलाधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित एक मांग पत्र सौंपेंगे। उस मांग पत्र में हमारी एक ही मांग होगी, ऐसे दरिंदों को एक महीने के अंदर फांसी की सजा दी जाए, वो भी बीच चौराहे पर सजा दी जाए, होगा जब तक ये दरिंदे लोग कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं। ये घटनाओं को के पीछे आप समझ सकते हैं कि भैंसी हैं, कि जहाँ पे एकांत होता, आप देखिए शमशान घाट जैसी जगहों पर ठंडा पानी पीने बेटी गई थी तो उसके साथ में ये घटना घट गई है। और आप जानते हैं कि भैंसी कहीं भी किसी भी समाज में छुपे बैठे हो सकते हैं, ये इन भैंसियों को पहचानना होगा और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी।